हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाई स्पीड नंबर वन एजुकेशन चेंज का सर ड्रेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो अब जो है जनरल साइंस की धमाकेदार क्लास का अगला नेक्स्ट सेशन आज स्टार्ट हो रहा है। काफी हेल्पफुल है और काफी इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के हिसाब से। और ये क्लासेस जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए और आरआरसी ग्रुप डी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो जनरल साइंस की क्लास यहाँ से देख सकते हैं और काफी मजेदार टॉपिक आज का होने वाला है। तो अधिक से अधिक आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। यहां से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, कवर कीजिएगा, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके पक्का बनेंगे, ठीक है ना। तो ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण कौन कौन से हो सकते, देखिए यहाँ पे टोटल 10 उपकरणों को दिया है मैंने जो काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो पहला उपकरण है डायनोमो। डायनोमो कैसा उपकरण है? डायनोमो एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है कि यांत्रिक एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, ये डायनोमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार मोमबत्ती है, मोमबत्ती क्या करती है कि जो केमिकल एनर्जी है मतलब रासायनिक ऊर्जा है उसको प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। आप कैंडल जलाते हैं ना, तो कैंडल जलाने के फलस्वरूप क्या होता है कि कैंडल में केमिकल एनर्जी भरी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। तो जो ही आप उसको जलाते हैं तो उससे क्या होती है, लाइट निकलती है, प्रकाश निकलता है और साथ ही साथ उष्मा भी निकलती है, हीट भी निकलती है। तो उसमें मतलब कि हमने क्या किया, रासायनिक ऊर्जा को लाइट और हीट में कन्वर्ट कर दिया। अब बात कर लेते हैं माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन एक प्रकार का डिवाइस है, ये क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं लाउड स्पीकर की। तो लाउड स्पीकर में क्या होता है जनरली कि जो आप इलेक्ट्रिक फोर्स से को आप क्या करते हो, ध्वनि मतलब साउंड एनर्जी में परिवर्तित करते हो, ठीक है। इसी प्रकार सोलर सेल है, ये क्या करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो ट्यूबलाइट क्या करती है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा मतलब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब देखिये विद्युत मोटर दे रखा है, विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और विद्युत बल्ब क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वहीं सितार की बात कर ले तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, तो ट्रिक क्या है इसकी, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ट्रिक में देख लीजिए, सबसे पहले माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या कर लेते हैं कि याद कर लेते हैं ट्रिक से। माइक्रोफोन का आप याद कर लीजिएगा, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर याद रहेगा। तो आप ऐसे माइक्रोफोन को कैसे याद करोगे कि माइक्रोफोन का आपने याद कर लिया कि ध्वनि ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो ये लाउड स्पीकर में हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को एक ट्रिक से याद कर लीजिए, मतलब पहला याद कर लिए तो दूसरा ऑटोमेटिक पलट दिए उसी को, उसी सेंटेंस को पलट दिए, मतलब विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो लाउड स्पीकर का भी तैयार हो जाएगा। अब सोलर सेल और ट्यूबलाइट का भी अब इसी तरह याद कर सकते हैं कि सोलर सेल में क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा मतलब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हो। वहीं जो ट्यूबलाइट है वो विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा मतलब प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि विद्युत मोटर और विद्युत बल्ब में, ठीक है ना। तो इसमें साधारण इसमें ट्रिक नहीं काम करेगा आपका, बट इसमें डायनमो में और ये जो आपका विद्युत मोटर है इसमें ट्रिक काम करने वाली है कि डायनमो में क्या होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जो आपका विद्युत मोटर है वो क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब इसकी जो ट्रिक है पहले से सातवें में कर लेते हैं इसकी ट्रिक, ठीक है ना। मतलब ऐसे याद कर सकते हो आप पहली सातवें से, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर वाला था ये तीसरा चौथा था, ठीक है ना। ये क्या था आपका, पांचवा और छठवा, ठीक है ना। मतलब तीसरा का चौथे के साथ, पांचवा का छठा है, वन का सेवन के साथ, मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और विद्युत बल्ब का आप याद कर सकते हो, विद्युत एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, मतलब विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, और इसको आप आसानी से अपने शब्दों में याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आज की ट्रिक थी, मतलब काफी हेल्पफुल है। तो आप मेन मेन इसकी याद कर सकते हो कि डायनमो का विद्युत मोटर के साथ याद कर लेना, माइक्रोफोन का लाउड स्पीकर के साथ, और इसी तरह ये ट्यूब कहाँ गया, ये सोलर सेल का ट्यूबलाइट के साथ याद कर लेना, ठीक है। मोमबत्ती विद्युत सेल का लगभग लगभग सेम पोजिशन है,
बस थोड़ा सा कन्वर्ट क्या हो रहा है कि इसमें लाइट और हीट में कन्वर्ट हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपकी बेसिकली ट्रिक थी आज की क्लास की। अब बात कर लेते हैं हम लोग संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध की, ठीक है ना। संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है ना। तो जहां पे m क्या है आपका द्रव्यमान है वस्तु का, v का है वेग है, और p क्या है संवेग है, संवेग का मतलब मोमेंटम है, संवेग मोमेंटम, ठीक है ना। तो p बराबर mv से यहां पे निकला हुआ है। अगर मान लीजिए हमने इसको दुगना कर दिया तो ये क्या हो जाएगा चार गुना, वही यहां पे लिख रखा हूं मैं कि संवेग को दुगना किया जाए तो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी चार गुना हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना। अब बेसिकली आ जाते हैं पावर पे। पावर क्या होता है, तो पावर उसे कहते हैं कि जो कार्य करने की दर होती है उसको हम क्या कहते हैं पावर कहते हैं, ठीक है। पावर इक्वल टू मतलब शक्ति इक्वल टू पावर इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे में समय। तो शक्ति को मैंने पी से डिनोट कर लिया, पी मतलब शक्ति है, डब्ल्यू क्या है कार्य है वर्क है, और बेसिकली जो टी है आपका वो क्या है टाइम है मतलब समय। तो इस तरह से P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी। अब मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है, टी का मात्रक मतलब कि समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मात्रक क्या जाएगा जूल प्रति सेकंड, मतलब इसको वॉट से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब वॉट जो होता है बराबर होता है 10^7 अर्ग प्रति सेकंड के बराबर होता है वॉट। एक बार फिर से समझ लीजिए कि शक्ति का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, बता रखा हूं आपको अगली क्लास में देख लीजिएगा वीडियो को, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक बराबर क्या आ जाएगा जूल प्रति सेकंड आ जाएगा। तो जूल प्रति सेकंड को हम वॉट लिख सकते हैं, और वॉट जो है 10^7 अर्ग प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मतलब एक और मात्रक है इसका शक्ति का, जिसको हम अश्व शक्ति कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं। तो हॉर्स पावर किसके द्वारा दिया गया था, जेम्स वॉट के द्वारा दिया गया था हॉर्स पावर, ठीक है ना। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना वॉट होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है, मतलब 746 वॉट होता है। अगर हम उसी की वैल्यू अर्ग प्रति सेकंड में निकाल लें तो इंटू 10^7 अर्ग प्रति सेकंड का मल्टीप्लाई कर देंगे 746 में, तो आ जाएगा हमारा 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 मतलब 746 गुणे 10^7 अर्ग प्रति सेकंड, यही यहां से मात्रक निकल आएगा। अब देखिए अगर हम वही बात कर ले कि 1 किलोवाट का हम निकाल लें कि कितने हॉर्स पावर होंगे, तो 1 किलोवाट बराबर आपका निकल आएगा 1000 की भाग दे देंगे 746 में, तो 1.34 हॉर्स पावर आ जाएगा आपका 1 किलोवाट का। अब देखिए अगर आपको 1 वाट सेकंड निकालना है, ठीक है ना, तो 1 वाट में 1 सेकंड का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा आपका 1 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है 3600 जूल होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो 1000 वाट घंटा, और 1000 वाट घंटा होता है 3.6 × 10^6 जूल के बराबर, ठीक है। वहीं पर देख लेते हैं कि शक्ति के मात्रक कौन कौन हो सकते हैं, तो शक्ति के मात्रक वॉट होता है, किलो वॉट होता है, मेगा वॉट होता है, और हॉर्स पावर चारों हो सकते हैं शक्ति के मात्रक। फिर से बता दे रहा हूं, वॉट हो सकता है, किलो वॉट हो सकता है, मेगा वॉट हो सकता है, और हॉर्स पावर, ये चारों ही क्या है शक्ति के मात्रक है, ठीक है ना। और कार्य के मात्रक कौन कौन हो सकते हैं, वॉट सेकेंड, वॉट घंटा, और किलो वॉट घंटा, मतलब वॉट सेकेंड, वॉट आवर, किलो वॉट आवर, ये तीनों ही क्या है कार्य तथा एनर्जी के मात्रक हैं। ये तीनों किसके मात्रक हैं, कार्य तथा एनर्जी के मात्रक। कौन कौन से, वॉट सेकंड, वॉट आवर, किलो वॉट आवर। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। शक्ति बराबर होता क्या है वर्क अपॉन में टाइम, तो वर्क का मात्रक क्या होता है जूल, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो वॉट आ जाएगा। अब वॉट किसके बराबर होता है 10^7 अर्ग प्रति सेकंड के। अब देखिए अश्व शक्ति भी एक मात्रक होता है, इसको किसने खोजा था, जेम्स वॉट के द्वारा यह दिया गया है। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 746 वॉट के, तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना हो जाएगा 746 × 10^7 अर्ग प्रति सेकंड। अब यहां से 1 किलोवाट का निकाल लोगे 1.34 हॉर्स पावर, यहां से अब 1 वॉट आवर्स का भी निकाल लोगे, 1 किलोवाट आवर का भी निकाल लोगे। शक्ति के मात्रक कौन कौन हो सकते हैं, वॉट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर, ये शक्ति के मात्रक है, ठीक है ना। कार्य ऊर्जा के मात्रक कौन कौन है, वॉट सेकंड, वॉट आवर, किलोवाट आवर, मतलब वॉट सेकंड, वॉट घंटा, किलोवाट घंटा, ये तीनों ही क्या है कार्य तथा एनर्जी के मात्रक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो जितने भी नए बच्चे हैं जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।